एक ऑब्जेक्टिव आता होता है या कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि मान लो एक बॉडी वर्टिकल सर्कल में घूम रही है, जैसे कि ये रही। इस वर्टिकल सर्कल के अंदर, ये वेलोसिटी गिवन है और ये वेलोसिटी गिवन है, मिनिमम गिवन है, यानी कि यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 5 rg गिवन है, 5 rg ऐसे। और उसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी गिवन है अंडर रूट ऑफ rg गिवन है। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन की वैल्यू सबको पता है क्या है, यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर मैक्सिमम है। और आपको मिनिमम वेलोसिटी गिवन है, आपको टी मैक्स माइनस टी मिनिमम की वैल्यू निकालनी है, क्या है ये क्वेश्चन है। तो एक चीज बताओ, यहां पे लोएस्ट पॉइंट पर बॉडी का वेट एक्ट करेगा कितना, एम जी। तो लोएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन क्या बनेगी सेंट्रिपिटल की, टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी एल स्क्वेयर बाय आर। तो टी मैक्स माइनस एम जी इज एम बाय आर। वी एल की वैल्यू कितनी पुट करनी है, अंडर रूट ऑफ 5 rg का स्क्वायर। तो स्क्वायर और ये कट गया, सॉल्व करो, चेक करो टी मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 mg। चेक करना, सिंप्लीफाई करो, 6 mg। सुबह तक तो यही आ रही थी पहले बैच में, अच्छा दूसरे में भी आ रही है 6 mg, ठीक है स्टैंडर्ड है 6 mg, लोगों ने निकाला ना इसलिए बोल रहा हूँ मैं 6 mg। अच्छा बताओ टी मिनिमम कितनी है, टी मिनिमम कितना है, 0, क्योंकि वेलोसिटी मिनिमम का केस कब आता है, जब टेंशन मिनिमम क्या होती है, 0। तो फिर ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या मार्क करेंगे, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम इज इक्वल टू 6 mg माइनस 0 का मतलब 6 mg आंसर। सही है यहां तक,